नमस्ते मित्र, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले जो है टैरो के डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के बारे में बात करी है, और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ऑल दी 78 कार्ड्स ऑफ टैरो हमने वो सब कवर करे हैं। इस वीडियो से हम जो है ई चिंग के बारे में बात करेंगे। ई चिंग के अंदर 64 हेक्साग्राम्स हैं, या फिर कहें 64 कार्ड्स कह लीजिए आप उसको। ई चिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ई चिंग जो है एक बहुत प्राचीन विस्डम है जो कि चाइना से आती है, और अपने आप में ये एक बहुत ही मिस्टीरियस साइंस है, क्योंकि इसके अंदर आप जो है बहुत कुछ सीखते हैं, लाइफ के गहरे गहरे सीक्रेट्स का आपको पता चलता है। दैट इज़ वॉट ई चिंग इज़ ऑल अबाउट। और ई चिंग के अंदर 64 हेक्साग्राम्स हैं, या फिर कह लीजिए 64 सिचुएशंस ऑफ लाइफ, या फिर 64 पॉसिबिलिटीज। वो 64 सिचुएशंस जिसके अंदर लाइफ किस तरह से जो है बिहेव करती है, या फिर किस तरह से मूव करती है, या फिर किस तरह से ग्रो करती है। अगर आप देखें चेस के अंदर भी 64 खाने होते हैं, और हर खाने की अपनी एक नाम है, और अपना एक वजूद है, और अपनी एक उसकी जगह है। तो जब हम ई चिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई चिंग जो है वो हमें लाइफ के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है, वो लाइफ के गहरे विस्डम के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से लाइफ जो है वो ग्रो करती है और क्या डायरेक्शन वो लेती है। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ व्हाट हेक्साग्राम इज। अगर आप हेक्साग्राम को देखें तो उसमें जो है देर आर 6 लाइंस जो कि एक हेक्साग्राम को कंप्लीट करता है, और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है ब्रोकन और अनब्रोकन लाइंस से। जो ब्रोकन लाइंस हैं वो येन कहलाती हैं, और जो अनब्रोकन लाइंस हैं वो यांग कहलाती हैं। जो येन है वो फीमेल प्रिंसिपल है, और जो यांग है वो मेल प्रिंसिपल है। तो इस तरह से इट मेक्स लाइक 64 कॉम्बिनेशंस। इन 64 कॉम्बिनेशन से जो है 64 हेक्साग्राम्स जो हैं बनते हैं, और एक एक हेक्साग्राम अपने आप में बहुत गहरा जाता है, बहुत कुछ आपको सिखाता है, बहुत कुछ आपको समझाता है। इंडिया में जो है ई चिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इन वीडियोस के थ्रू मेरा प्रयास यही है कि मैं हेक्साग्राम ई चिंग के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, और ये नॉलेज जो है आप तक पहुंचा सकूं। पहले मैंने ये सोचा कि ये वीडियोस जो है इंग्लिश में बनाई जाए, लेकिन क्योंकि मैं इस विस्डम को चाहता था कि इंडिया में जो है ज़्यादा स्प्रेड हो, लोगों को पता चले कि व्हाट ई चिंग इज़, तो मैंने डिसाइड करा कि ये वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं ई चिंग की विस्डम। जो आज हम पहला जो हेक्साग्राम के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, वो पहला हेक्साग्राम है द चाइन, द क्रिएटिव फोर्स। इसको कह लीजिए आप ड्रैगन ओवर ड्रैगन, क्योंकि इसमें 6 लाइंस हैं जो कि ऑल अनब्रोकन है। तो दिस इज़ लाइक मेल ओवर मेल, लाइक द यांग ओवर यांग। तो यांग का जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट करता है इसको। सो दिस इज़ लाइक प्योर मैस्कुलिन, दिस इज़ अ प्योर क्रिएटिव फोर्स। ये हमें इंडिकेट करता है कि आपके पास इतनी ऊर्जा जो है अवेलेबल है इस वक्त, कि आप उसका जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको पूरे यूनिवर्स की जो है वो ताकत उपलब्ध है, और आप इससे लाइफ भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो एंडलेस सप्लाई ऑफ एनर्जी है जो आपको अवेलेबल है, इससे आप अपना कुछ भी डिज़ायर जो है वो पूरा कर सकते हैं, और कुछ भी एकम्प्लिश करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऊर्जा तो बहुत उपलब्ध है। जब हम इस हेक्साग्राम की बात करते हैं, तो इसके अंदर जब ये हेक्साग्राम जो है आपके लिए आता है, तो ये हेक्साग्राम आपको ये बताता है कि आपके पास बहुत ऊर्जा अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज़ यू शुड नो हाउ टू स्पेंड इट, किस सिचुएशन में आपको किस तरह से जो है बिहेव करना है। इफ़ यू बिहेव इन द राइट वे, तो वो जो ऊर्जा जो आपको अवेलेबल है उसका एक राइट उपयोग हो जाएगा, आप जो भी एकम्प्लिश करना चाहें वो एकम्प्लिश कर पाएंगे।
और अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा अवेलेबल होती है तो हमसे संभलती नहीं है, क्योंकि होता यह है कि बहुत बार हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम जो चीज़ मांग रहे हैं उसके लिए हम रेडी नहीं हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे जब तक कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक वो कहीं ना कहीं चीज़ें घटती नहीं हैं, और अगर उससे पहले अगर वो टाइम से पहले वो घट जाए तो उसका रिजल्ट जो है कुछ पॉजिटिव इतना नहीं आता। सो एवरीथिंग शुड हैपन एट द राइट टाइम, एंड द राइट टाइम इज़ व्हेन यू आर रेडी। इस कार्ड को मैं ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकता हूँ द कार्ड ऑफ द मैजिशियन से टैरो कार्ड्स के अंदर, क्योंकि जो मैजिशियन है उसके पास ये पावर है, उसके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, ये चारों टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो जो भी अचीव करना चाहे वो अचीव कर सकता है, उसके पास सारी पावर उसके पास अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं द क्रिएटिव हेक्साग्राम को। आप याद रखिए हेक्साग्राम को जब हम रीड करते हैं, हम रीड करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट लाइन जो है, जो बॉटम लाइन है उससे पढ़ा जाना, उससे जो है उसको शुरुआत की जाती है, उस फर्स्ट लाइन से, और उसके बाद सेकंड से सिक्स तक, एंड दैट्स हाउ वी रीड अ हेक्साग्राम। सो अब इसके पहली लाइन में जाएंगे जो कि बॉटम लाइन है। जो पहली लाइन है उसका नाम है द हिडन ड्रैगन। दैट मीन्स आपके पास एक ऐसी ऊर्जा जो है अवेलेबल है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शो दैट, टू एक्सप्रेस दैट। दिस इज़ द टाइम दैट यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कि अगर आप कुछ साधना कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो आप करते रहें, चुपचाप अपनी लाइफ में वो आप कंटिन्यू रखें, अभी किसी को ना बताएं। क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट अभी नहीं होंगे, कि बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू गो आउट। हेक्साग्राम्स के थ्रू हम जो है प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे भी गहरी बात है ये, कहीं ना कहीं दीज आर ऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज, दीज आर ऑल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। अगर आप उसको समझेंगे तो ये लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, ये लाइफ के रूल्स हैं। अगर आप इनको समझेंगे तो आपकी लाइफ जो है इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप, द वे यू रियली वांट टू लिव, द बेस्ट वे। सो अब हम इसके जो फर्स्ट बॉटम लाइन को पढ़ेंगे तो उसको समझने की बात है कि वो जो ऊर्जा जो आपके पास है, उस ऊर्जा को आपको एक्सप्रेस करने का राइट टाइम कब है, जब यू आर रेडी। उससे पहले जब तक आप रेडी नहीं होते उसके ऊपर काम करिए, उस अपनी साधना में जुटिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, उसके लिए रेडी करिए। अ ड्रैगन इज हाइडिंग, डू नॉट रिवील योर आइडियाज येट। मतलब जो आपके भीतर का जो ड्रैगन है, जो एनर्जी का जो सोर्स है, वो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रिवील इट। लेट द ड्रैगन रिमेन इन द डार्क, लेट इट वर्क ऑन हिमसेल्फ, एंड व्हेन द राइट टाइम इज देयर ही शुड बी रेडी टू गो आउट। ये वक्त है जब आप किसी एक्सपीरियंस आदमी, किसी गुरु, किसी मास्टर के साथ जुड़ें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ें जिसने ज़िंदगी देखी है, जो आपको अच्छे से गाइड करेगा। और अगर आपके पास ये गाइडेंस रहेगी देन यू विल कम आउट एज अ विनर। सेकेंड लाइन जो है वो भी अनब्रोकन लाइन है, उसको हम कहते हैं एक्सपोज ड्रैगन। नाउ द ड्रैगन इज गेटिंग रेडी, जो आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं रेडी हो रही है और वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। जैसे कि आसपास की जो ऊर्जाओं को या फिर आसपास के लोगों को आप उनको भनक लग गई है कि आपके पास ये सीक्रेट है, आपके पास ये ऊर्जा है, और अब आप इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए तैयार हैं, या फिर उसको जो है अपना एकम्प्लिशमेंट जो आप करना चाहते हैं उस एकम्प्लिशमेंट को करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगेन सेकेंड लाइन में भी आपको रिमाइंडर आता है कि आपने सीनियर्स को, अपने गुरु को, अपने मास्टर को, समान एक्सपीरियंस को अपने पास रखें, उससे दूर ना जाए। जो थर्ड अनब्रोकन लाइन है वो कहलाती है द वर्किंग ड्रैगन। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन योर एनर्जी इज गोइंग टू बी एक्सपोज, इट इज़ गोइंग टू गो आउट। धीरे धीरे जो आपकी जो ऊर्जा है वो अब संसार में एंटर कर रही है, वो प्रवेश कर रही है, या फिर ये कहें कि जो आप एकम्प्लिश करने के लिए आए हैं उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दिया है, और इस मूवमेंट से
अब आपके आसपास के लोग जो हैं उसको नोटिस करना शुरू कर दिया है एंड दे टेक यू एज एन इंस्पिरेशन, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपको देखते हैं और वो भी वही जीना चाहते हैं जो आप जी रहे हो। लेकिन एक ही खतरा है इसके साथ कि ये जो लोग हैं आसपास, ये जो ऊर्जाएं हैं आसपास, इनसे आपको बस एक ही चीज़ के लिए केयरफुल रहना है कि ये आपकी ऊर्जा चूस ना जाए। दीज आर ऑल्सो द एनर्जीज विच कैन सक यू, दे कैन सक द एनर्जी ऑफ ड्रैगन, बिकॉज ड्रैगन इज अ ग्रेट सोर्स, इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन ड्रैगन के आसपास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो ड्रैगन को जो है ख़त्म कर सकती हैं, उसकी ऊर्जा को चूस सकती हैं। तो आप अपना काम करिए, चुपचाप करते रहिए कि इस तरह से कि चोरों से आप बच के रहें, कि रात को इस तरह से जागे रहें कि आपके घर में चोरी ना हो। और यह आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि ये जो डेंजर की जो घड़ी है, जब तक कि वो पास ना हो जाए, जब तक कि एक सेफ टाइम नहीं आ जाता। यू कॉन्ट रियली रिलैक्स, यू कॉन्ट रियली लेट गो। दैट ऑल्सो मीन्स कि जब आपकी लाइफ की जो ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज जो है, वो जब आप इस्टेब्लिश हो रही हैं, जब वो ग्रो कर रही हैं, तो उस वक्त एक ऐसी स्टेज है कि जब आप गिर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप ध्यान की यात्रा करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये भी होता है कि आप उतनी ही तेज़ी से गिर भी सकते हैं। जितनी तेज़ी से जाएंगे उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिर सकते हैं। तो दैट्स वाई वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो हैं, स्टडी हैं और अपने आप को पूरी तरह से फोकस और रिलैक्स वे से अगर आप इस यात्रा पे जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो फोर्थ लाइन है, जो अनब्रोकन लाइन है, उसको हम कहते हैं द लीपिंग ड्रैगन। दिस इज द टाइम जब ड्रैगन की जो ऊर्जा है, जो आपकी क्रिएटिव फोर्स है, वो एक ऐसी स्टेज में आ रही है कि प्रॉब्ली आपको आगे का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा। लेकिन दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू कीप फेथ। इस वक्त जो है गुरु का साथ काम आता है। इस वक्त जो है आपके भीतर का जो हृदय है, जो जो कि परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि मास्टर के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम आएगा। क्योंकि असली लाइट आपको जो है वहीं से मिलेगी, असली गाइडेंस आपको जो है वहीं से मिलेगी। वो कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव। तो लक भी आपके साथ तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं ब्रेवली जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन ब्रेव होने का ये मतलब नहीं कि आप एक स्टूपिड वे से जो है कॉन्फिडेंट हो जाए और आँख बंद करके चलने लगे। ब्रेव का मतलब इतना ही है कि आपका जो है कि जो आपके सामने जो एक रास्ता बन रहा है उसमें आपको हिम्मत करनी है चलने की। आप रुक तो सकते नहीं हैं, आप थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए एक स्टेज पे जो है रुक सकते हैं, अपनी ऊर्जा को रोक सकते हैं, लेकिन रुकती नहीं है ऊर्जा। ऊर्जा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आगे बढ़ती है। तो जो फोर्थ लाइन है वो हमें ये बताती है कि चाहें तो आप आसमान में उड़ जाएं या फिर चाहे तो जो है ज़मीन पे ही टिके रहें। और इस वक्त जो है वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू चूज द राइट स्टेप अकॉर्डिंग टू योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी इंस्टिंक्ट्स जो आपको बता रही हैं, आपके भीतर की जो ऊर्जा जो आपको गाइड कर रही है, आपको उस तरह से चलना है। तो अगर तो आप उड़ेंगे तो भी ठीक, अगर आप ज़मीन पर रहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो विजडम जो है आपके भीतर से आ रही है। क्योंकि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, यू हैव टू फॉलो वॉट इज़ राइट फॉर यू। जो फिफ्थ अनब्रोकन लाइन है वो कहलाती है द सोरिंग ड्रैगन। दैट मीन्स अब लोग जो है आपको एक नई लाइट में देखेंगे, एक आपको एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो देखेंगे। दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर इस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ, कि आपकी ऊर्जा जो है वो इस्टैब्लिश हो रही है। अगर हम संसार की बात करें तो वहाँ पे इस्टैब्लिश हो रही है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वहाँ पे इस्टैब्लिश हो रही है। अब लोग जो हैं आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक घटना साथ में और घटती है कि दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन यू विल बी ऑल अलोन। हो सकता है कि कोई इस वक्त साथी पास में ना हो। जैसे जैसे आप अपनी खुद की यात्रा जो है, जो अगर स्पिरिचुअल यात्रा में गहरे आगे बढ़ते हैं, आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो भी करीबी लोग हैं, वो फिर भी जो है वो करीब नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं। आप हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला भी महसूस करेंगे।
और साथ में एक ट्रुथ भी रियलाइज करेंगे कि जीवन का स्वभाव जो है कुछ ऐसा है कि आप अकेले हैं, आपके साथ हो के भी कोई नहीं है। और अगर ड्रैगन को ये बात समझ में आ जाए, जो आपकी गहरी जो ऊर्जा है उसको जो है इसके अंदर रहना आ जाए, इसके अंदर जो है कंफर्टेबल हो जाए, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द ड्रैगन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो है आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, उन लोगों के साथ संबंध बनाएं जो इस यात्रा में आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं इट्स मच बेटर टू बी अलोन इंस्टेड टू बी विद अ फूल। एक मूड के साथ होने से अच्छा आदमी जो है अकेला हो जाए, वो ज़्यादा सुंदर है। तो बुद्ध जो है मित्र ही अपने अच्छे नहीं चुनते, वो दुश्मन भी अपना अच्छा चुनते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू कीप यू रूटेड, दिस इज़ गोइंग टू कीप यू इन टच विद द विस्डम। इस विस्डम के साथ आप बने रहेंगे तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। जो सिक्स लाइन है वो है द एम्प्टी ड्रैगन। जो ऊर्जा जो आप यहाँ पे लेकर आए, जिस सॉन्ग को आप एक्सप्रेस करने आए थे, वंस यू हैव लिव्ड दैट, वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट, अ टाइम कम्स व्हेन यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, अ टाइम कम्स व्हेन अ न्यू साइकिल हैज टू बिगिन। तो जब आप टॉप पे आ जाते हैं, जब वंस यू हैव लिव्ड एवरीथिंग, a time comes when you will become a zero again, and that is why it's called the empty dragon. To empty dragon kuch aisa nahi hai ki uske andar jo hai urja kho gayi hai. Empty dragon ka yahi matlab hai ki the dragon has lived his life, he has lived his energies, he has expressed himself. To once he has expressed himself, it's time for something new, it's time to live something else. ये वक्त है जब ऊर्जा को एक नई डायरेक्शन चाहिए, एक नई दिशा चाहिए, और इस दिशा के साथ ड्रैगन को एक नई लाइफ मिलेगी। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें, द चाइन जो हेक्साग्राम है, द क्रिएटिव हेक्साग्राम है, उसका जो एसेंस है वो हमें ये बताता है कि दैट यू हैव दिस पावर ऑफ क्रिएटिविटी, दैट यू हैव दिस पावर टू क्रिएट एनीथिंग एंड अकम्प्लिश एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट फॉर योर लाइफ। आपके पास वो ऊर्जा है जिससे आप लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, और उस लाइफ को क्रिएट करने का मतलब हुआ कि आपकी लाइफ में वो सक्सेस जो आप हमेशा से चाहते थे वो आपकी लाइफ में आ जाता है, उसको आप जीना शुरू करते हैं। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर द चाइन हेक्साग्राम, दैट मीन्स द क्रिएटिव हेक्साग्राम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड I will see you in my next video. Thank you so much for watching. Namaste.